सिंगरौली में अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पति ने ही चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैडन कोतवाली पुलिस ने ग्राम बसोड़ा में घटित बिट्टी केवट की हत्या के आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ने खुलासा किया कि तंत्र मंत्र नहीं बल्कि चरित्र संदेह के कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ब्रजेश केवट ने बताया कि उसके पत्नी का करीब 3 वर्ष पूर्व से भगवान दास शाह नामक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे आरोपी ने आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। उसने भगवान दास शाह को कई बार पत्नी से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वह आदत से बाज नहीं आ रहा था, जिसे लेकर उसने अपनी पत्नी के साथ आए दिन विवाद होते रहते थे, जिससे तंग आकर आरोपी ब्रजेश केवट ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या से हो गई कि भगवान दास शाह ने हमारे पत्नी को उसमें वो मतलब गलत कर रहा था। हमने उसको देखा, जान लिए, जानने के बाद उसको हम मना किए कि तुम गलत काम पर मत जाओ। तो कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, अब कि हमारा सिर काट दो कभी नहीं जाएंगे, हम नहीं मानेंगे हम। अब तो सोचे उसको पेट में वो ही बताई और बताई मेरा कि अब गर्भ भी रुक गया है, बच्चा भी हो गया है। तो भगवान दास ने गोली भरिया उसको खिला रहा था, मेरे हाथ की गोली नहीं लिया, लड़कों का हाथ की गोली नहीं था, कहाँ से गोली पाई वो सब देखते हुए हम सोचे कि हमारा बच्चे बड़े हो गए, बेटवा वो तो आ गए, तो मेरा ये तो फट हो गई, ख़त्म हो गई अब सर, इसीलिए हम उसको हम जो किए तो कर दिया। ये पूजा पाठ वाला क्या ये सुविधा ये करते तो थे ना तुम? नहीं, पूजा पूजा हाँ, पूजा सब कर रहे हैं हम, लेकिन हम उसके बारे में पूछ जाते हैं, हम उस बारे में नहीं किया। इतनी निवेदन है आपके पास? अभी तो बकरा आकर अभी काटे थे ना कुछ दिन पहले। अरे हो गया सर, नहीं हम हत पत्नी हमारा तो कैसे हम उसको मारेंगे हम, लेकिन भाई गलत में मार दिए ना, मारती है भाई। कि 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात की घटना है, इसमें बसौड़ा गांव है जो शासन चौकी के अंतर्गत आता है। इस पर ये सूचना मिली थी कि ब्रजेश केवट आरोपी है, इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पे पूरा स्टाफ और हम सभी लोग वहाँ पर रश किए थे और जा कर के स्पॉट पे हमने देखा तो ये पाया कि धारदार हथियार से इसकी गर्दन पत्नी की इसने, जिसका नाम बिट्टी केवट है, उसके पति ने आरोपी ने काट दिया था। और उसके बाद उसको जो कमरा था पत्नी का, उसके कमरे में ले जा के उसने काट दिया था। इनिशियली ये जानकारी आई थी कि ये व्यक्ति जो है वो तंत्र वगैरह करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया, अलग अलग टीमें बनाई गई, आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और जब पूछताछ की गई तो ये बात निकल करके आई कि इनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला है भगवान दास साहू नाम का व्यक्ति, जिससे आरोपी की पत्नी बट्टी का विगत 1 साल से प्रेम संबंध हो गया था। और इस बात को लेकर के आरोपी बहुत नाराज रहता था और उसका उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। और चूंकि घर में बच्चे भी बड़े हो गए थे और बहू भी आ गई थी, इसलिए लोक लाज के भय से बार बार जो है इसको मना करता था और वो इसकी बात नहीं मानते, ये बात ही इन्वेस्टिगेशन में आई। और घटना दिनांक को भी रात को करीब 8-9 बजे के आसपास जो भगवान दास साहू है उसको इसने अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा था, इसलिए ये तात्कालिक कारण उसका एग्रेशन का बना। और इसमें एक चीज़ और निकल करके आई है कि पिछले 1 वर्ष से पत्नी अलग सोती थी और जो आरोपी ब्रजेश केवट है अलग सोता था, ये कहता भी था कि वो उसको मना कर देती थी जो है कि मैं अलग। तो ये सारी बातें थी जो घटना का कारण बनी और उसने घटना की और उसको ले जाके दफन कर दिया। तो कुल मिला के जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर के आया है कि यद्यपि ये पूजा पाठ और तंत्र करता था, लेकिन जो घटना का कारण हुआ है वो ये था कि इसका भगवान दास साहू से पत्नी का वैसे।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।